दोस्तों कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि वीडियो आप लोगों से पता चला होगा कि इस वीडियो में हम KVS के जो नई रिक्वायरमेंट होने वाली है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे हमें मैसेज आ रहे हैं, सर क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर द एग्जामिनेशन TGT, PGT, PRT एंड प्रिंसिपल, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और पे लेवल क्या, इस सब चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूंगा इस माध्यम से। और इस नोटिफिकेशन के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे PDF फाइल में डाउनलोड करके इसकी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे कि इस TGT की क्या है, इसके लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, PGT के लिए कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, और PRT और प्रिंसिपल के लिए क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। एक चीज़ और, इसके पहले मैंने जो न्यू जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं KVS के, बहुत सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें सर न्यूज़ फर्जी है, ये है, मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि आप उस न्यूज़ को मान के क्या तैयारी करना छोड़ देंगे। मैंने एक अध्याचन मिल चुके हैं और इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू है, जैसे ही कई लेवल होते हैं जैसे ही पूरे हो जाते हैं तब विज्ञापन निकाला जाता है। देखिए नो डाउट विज्ञापन आएंगे, आप लोग तैयारी करते रहें। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप लोग सारी उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उस वीडियो क्या कहा है। देखिए 4111 पद उनको अध्याचन मिला है, पद बढ़ भी सकते हैं, आप लोग तैयारी डिफरेंटली करिए। चाहे आप लोग जो मैसेज करें सर फेक न्यूज है क्या है, मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उसका ऑथेंटिकेशन जैसे मुझे मिलता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। और चलिए आइए शुरू करते हैं, आज की वीडियो एलिजिबिलिटी पे है, जो हम आज एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं, इसके एज लिमिट पर करते हैं, पे स्केल पे बात करते हैं। देखिए जैसे कि एक प्रिंसिपल के पद के लिए बात करें कि प्रिंसिपल के पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, इसका पे लेवल जो है पे लेवल 12 है, काफ़ी हैंडसम सैलरी है ये इनकी, जो है 78,800 से 2,09,200 रुपये है, और इसकी एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 साल। अगर आप म्यूनसिपल पद के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम 35 साल के होने चाहिए और 50 साल के लिए। और यही एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर बात कर लें तो यही एक पोस्ट ऐसी है जिसमें 45% KVS मांगता है, एक ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में 45 रहना चाहिए ठीक, लेकिन ग्रेजुएशन की जब आ जाती है, जब हम TGT अप्लाई करते हैं वहाँ भी वो 50 कर देता है ठीक। तो ये पहला क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर अगर प्रिंसिपल के पद के लिए बात करें तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 45%, देखिए 45% इन एग्रीगेट, और उसके साथ बीएड भी होना चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप प्रिंसिपल पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और इसके अलावा आपको अनुभव भी रहना चाहिए, अनुभव इन्होंने 4-5 के डिग्री की है, 4-5 के डिग्री में आप देख सकते हैं पर्सनली होल्डिंग द एनालॉग पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल, आप तो या तो कहीं प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं तो उसकी पे लेवल पे मैट्रिक्स पे 12 पे अगर लेवल पे हैं तो आपको प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल माना जाएगा, या आप वाइस प्रिंसिपल के पद पे हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे और 5 साल से कंटिन्यू PGT पे, 5 साल से आप जॉब कर रहे हैं और PGT और 2 ईयर्स वाइस प्रिंसिपल के पद पर रहे हैं, या 5 साल से की सर्विस में कंटिन्यू हैं या PGT की जॉब कर रहे हैं, तो आपको इस पद के लिए एलिजिबल माना जाएगा, जिसमें आप मास्टर डिग्री 45%, बीएड प्लस एक्सपीरियंस है। अब देखिए तीसरी क्या कैटेगरी में रखें, पर्सनल होल्डिंग पोस्ट PGT एंड लेक्चरर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, या आपको PGT लेक्चरर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई पोस्ट पर आप वहाँ पे कार्यरत हैं और 8 साल से रेगुलर सर्विस में हो, 8 साल से अगर उस पद पे हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए 15 ईयर्स कंबाइंड रेगुलर सर्विस या 15 साल से आप TGT की जॉब कर रहे हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। सीधे सीधे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो प्रिंसिपल पद के लिए आप एमए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5-10 ईयर्स का,
वो डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, आप इसमें देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। आइए नीचे बात करते हैं अगले सेक्शन पे। अगला हमारा वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए है। अगर वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए बात करें तो पे लेवल 10 है, एज लिमिट 35 से 45, इसमें 5 साल कम कर दिया गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें 50% आपका कंपलसरी है, MMA 50% कंपलसरी, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट, और BEd भी होना चाहिए, और 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल या सेंट्रल, और 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर ए तीसरे नंबर की एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है, ए तीसरे नंबर की एलिजिबिलिटी की बात करें यानी 2 ईयर्स वाली, तो आपको कम से कम 6 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग पोस्ट ऑफ PGT या 6 साल PGT की जॉब में रहनी चाहिए आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर ए भी नहीं है तो इसके अलावा एक और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 10 ईयर कम्बाइंड सर्विस वर्किंग PGT और लेक्चर TGT। मतलब आपके पास TGT या PGT एक दोनों में से अगर 10 साल कम्बाइंड अगर दोनों जोड़ के अगर सर्विस हो जा रही है एक्सपीरियंस, तब भी आपको इसके लिए एलिजिबल है। और डिजायरेबल में एज यू नो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आजकल सारे कंप्यूटर पे ही काम हो रहे हैं। ये हमारा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पद के लिए थी। अब जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PGTs एंड TGT। अब देखिए अगर PGT TGT की बात करें तो इस PGT पोस्टों में इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस। इसने तारे 11, ये अगर इन सब की बात करें तो 11 पोस्टों वो सब्जेक्ट के हैं के पोस्ट हैं, जो इन सब्जेक्टों के अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन मिल सकते हैं, लेकिन सबकी एक ही PG लेवल पे समझा जाता है, कुछ ही एक दो को स्पेशल मांगे जाते हैं। अब अगर बात करें इसके पे लेवल की, तो पे लेवल इसका 8 है, सैलरी 47,600 से स्टार्टिंग होकर 151,100 रुपये लमसम जाएगी। एज लिमिट आपकी अधिकतर आपके 40 साल के होने चाहिए, अपर लिमिट 40 साल से कम अधिक ना हो, उससे कम ही रहें, और 40 साल तक आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम देखें, तो इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT सीरियल नंबर 1 से 10 तक जो है उसके लिए क्या है। अब देखिए पहले में लिखा है 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT सब्जेक्ट कंसर्न, या तो 2 साल का आपका MSc हो, उसके अलावा मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50%, आपके पास 50% के साथ PG होना चाहिए, PG या MA कह लें इसे, एक होना चाहिए और तब आप दे पाएंगे। और इसके अलावा अगर सीधे सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर PGT पोस्ट की हम बात करें तो इसके लिए MA 50% प्लस BEd अगर आप हैं तो आप दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप देना चाह रहे हैं। और नीचे देखिए सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी दे दी गई है कि पोस्ट इंग्लिश के लिए आपको MA किस सब्जेक्ट से रहना चाहिए, हिंदी के लिए किस रहना चाहिए, हिंदी मिले है हिंदी और संस्कृत, हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल, अगर हिंदी से बढ़ते हैं तो संस्कृत या हिंदी आपके ग्रेजुएट लेवल में पढ़ा रहना चाहिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, लड़के काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। PG पोस्ट पर फिजिकल इलेक्ट्रिशियन अप्लाई फिजिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में ए, आप इसको ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री के लिए क्या है, केमिस्ट्री एंड बायो है, PGT इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स अप्लाई है, और PGT कॉमर्स मैथ और PGT बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप लोग कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस और कैसे क्या है इसके लिए, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिंपल है, आप हिस्ट्री से या तो PG रहें या ज्योग्राफी से PG रहें तो भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बी नंबर में लिखा है, ए तो आप MA रहेंगे ही 50% से 50%, इसके अलावा BEd की डिग्री होना अनिवार्य है, इसमें कई राज्यों में नहीं मांगता, अपने UP में ही आपको PGT देंगे, तो BEd कंपलसरी नहीं है। आई एम प्रोफेशनल टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडिया। अच्छा, आपको इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए प्रोफेसरशिप भी होनी चाहिए, ठीक। और ड्यूरेबल क्वालिटी में जैसे आपको पता है कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए। अब आते हैं इसके कंप्यूटर साइंस की पोस्ट पे है, एटलीस्ट इसका भी देख लीजिएगा आप लोग, 50% मार्क एग्रीगेट रहना चाहिए फॉलोइंग सब्जेक्ट पे, जो PGT का है वही सेम सब्जेक्ट आप इसको पढ़ लीजिएगा, और इसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और न्यू नोटिफिकेशन की जो वीडियो भी देख लेंगे, हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं TGT पे, जो TGT की एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, इंग्लिश के लिए, हिंदी, सोशल साइंस,
साइंस, संस्कृत, मैथ, फिजिक, हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस क्या होने चाहिए, इस पर देखते हैं। आइए पीजीटी की बात करें तो अपर एज लिमिट 35 दी गई है, पे स्केल 44,000 से 1,42,400 दी गई, 44,900 से 1,42,400 तक दी गई है। अब क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें, क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी, तो इसमें देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी आपको इसमें 50% मार्क्स बीए या ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। देखिए नीचे क्लियरफाई कर दिया है, इस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा, कंसर्निंग सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एंड एलिजिबिलिटी वही कहना चाह रहा है कि उसमें रहना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए 3 साल, हिंदी के लिए सब्जेक्ट रहना चाहिए 3 साल, सोशल स्टडी में 3 सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट रहने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस एंड 1 मस्ट ऑफ द हिस्ट्री या ज्योग्राफी रहना चाहिए। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा रहना चाहिए। मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ विद 2 एंड फॉलोइंग सब्जेक्ट ये रहना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है मैथ के लिए इतने सब्जेक्टों में से रहना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टीजीटी देने के लिए बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं सीटेट, वो आपको पास होना ज़रूरी है। सीटेट पास करेंगे तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर हम टीजीटी पोस्ट की बात करें तो हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहला बीए कंसर्निंग सब्जेक्ट में, बीएड, ठीक, और सीटेट, ये 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और बीए में 50% मैंने बता ही दिया है, इन तीन चीज़ के लिए सीटेट लगता है जबकि पीजीटी में नहीं लगता है। आइए आगे हम बात करते हैं इस टीजीटी के अलावा, टीजीटी जो इसमें नीचे दिए गए पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा जो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन लगता है, मैथ के लिए क्या है, साइंस के लिए क्या है, एक मोटा मोटी मैंने बता दिया है, क्वालिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे दे दी है। अब लाइब्रेरियन पद के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। अब प्राइमरी टीचर के लिए देख लेते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है हमारे सामने, प्राइमरी टीचर जो है, प्राइमरी टीचर और टीचर, प्राइमरी टीचर म्यूजिक, पे लेवल 6 उनका होता है 35,400 से 1,12,000, अपर एज लिमिट 30 साल इसकी अपर एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, क्वालिफिकेशन की बात करें प्राइमरी टीचर की तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी, यानी सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहा है, यानी 10+2 की बात कर रहा है, एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आपके पास 10+2 होना चाहिए 50% और एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी हुई 10+2+50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बी एल ई डी इसमें होना चाहिए प्राइमरी टीचर में, और इसके अलावा भी सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में रहे तो आप भर सकते हैं इस चीज़ को। और इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स और बैचलर डिग्री बीएड, ये देखिए संशोधन कर दिया गया है इनसे, और इसको बीएड को भी प्राइमरी टीचर में जोड़ दिया गया है, अगर आप ग्रेजुएशन 50% मार्क्स हैं तो आप बीएड साथ में किए हुए हैं तो इसको दे सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफाई सेंटर टीचर एबिलिटी टेस्ट, आपको सी टेट भी होना चाहिए 1 से 5 वाला, तब आप जाके इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। 1 से 5 वाले सी टेट अगर आप क्वालिफाई हैं प्राइमरी लेवल के लिए और आप बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, इंटर हैं और स्पेशल डिप्लोमा या कोई एक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर के लिए। अगर प्राइमरी टीचर में म्यूजिक की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट 50% मार्क, इंटरमीडिएट 50% मार्क इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री म्यूजिक में डिग्री होनी चाहिए बैचलर,
और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो उसको देती है, जिसकी डिग्री वहाँ से आप म्यूजिक में डिग्री किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर टेक थ्रू द हिंदी टू हिंदी में आपको कंपिटेंसी रहनी चाहिए, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हमारी चीज़ें थी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाँच बात की, जिसमें प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी कंप्लीट वीडियो थी। इस नोटिफिकेशन का आपको लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर बताएं, और जैसे ही कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है मैं आपके सामने लाऊंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।